क्षमा चाहता हूँ मेरे प्रिय विद्यार्थी, और थोड़ी सी साउंड प्रॉब्लम, और जो आपके भाई साहब यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं और ये भूल गए, जिसके कारण साउंड नहीं दे पाए, मैं बोलता गया शायद आप लोगों को कुछ मेरी आवाज़ पता नहीं चली होगी, अवश्य अब बोलना चाहूँगा आप लोगों के सामने। और अब आप लोग यहाँ पर बिल्कुल जुड़ने वाली सभी विद्यार्थियों को स्वागत है, गुड इवनिंग, शुभ संध्या सभी को। गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेज में सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल स्वागत है, और आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस करें। मैं एक ही बात आप लोग को अवश्य बोलना चाहूँगा मेरे प्रिय विद्यार्थी, कि आप कहीं भी पढ़ते हो जरूर सेट प्रैक्टिस करें, क्योंकि सेट एक ऐसी माध्यम है जिससे आप लोग क्या करेंगे, अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, एक टॉनिक का काम करेगा। आप भली भांति जानते हैं जब भोजन नहीं पचता तो डॉक्टर आपको एंजाइम देता है मेरे प्रिय विद्यार्थी, अतः मैं ये बोलना चाहूँगा कि एंजाइम का काम करेगा, और एग्जाम का ये एग्जाम कैप्सूल से कम नहीं है, कैप्सूल की तरह काम करेगा। आप लोग जानते हैं जिस प्रेशर में है उस प्रेशर को, उस तनाव को मैं कम करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, अतः आप लोग जुड़ें और इस वीडियो का जरूर आनंद लें और लाभ उठाएं, अपनी परसेंटेज को बढ़ाएं, केमिस्ट्री को बेस्ट बनाएं, ताकि किसी अदर गाइड और बुक की जरूरत न पड़े, इस मटेरियल से ही आप बेहतर कर सके, यही मेरी सोच है। बस एक बार शेयर मार लीजिए, सबको नमस्कार, बिल्कुल शुभ संध्या। मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग जुड़े, जबरदस्त तैयारी करें, मेरे साथ एक नई ऊर्जा के साथ डेली प्रत्येक दिन मिलें आप लोग, और आप लोग के लिए मैं कस एक भी मतलब बात कहा जाए तो पूरी एक भी कसर नहीं छोड़ूंगा, हर वक्त हर समय आपके बारे में सोचूंगा और आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर मटेरियल पेश करूंगा, जिससे कि आप लोग भी मुझे याद करेंगे, नहीं गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेज वाला ने कुछ मुझे किया और मेरे कैरियर में कुछ उनका योगदान रहा, मैं वही योगदान निभाने का आप लोगों से वादा करता हूं, और ये बिल्कुल खड़े उतरेंगे वादे पर, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि पिछले साल से ही भली भांति आपके भाई बंधु मुझे जानते होंगे कि मैंने पिछले साल मैंने क्या करा, ठीक है। तो आप लोग जुड़ गए, और उसके बाद जब ही 100 पूरी होती है तो मैं क्या करता हूं मेरे प्रिय विद्यार्थी, तुरंत आप लोग के साथ में मिलता हूं और क्वेश्चन की शुरुआत की जाए, डेली 20 क्वेश्चन, शाबाश, चलिए बिल्कुल, और हम यहां से अब क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्या आप लोग तैयार हैं? यदि आप लोग तैयार हैं तो जरूर थंबनेल दें, और तब आप लोग का मैं वेलकम करता हूं क्वेश्चनों के साथ, और रहेगी आंसर की बरसात होगी और इधर से रिप्लाई मिलता जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है, आप लोग लगे रहिएगा, ठीक है, रोना नहीं है किसी को, नेट आप लोग की प्रॉब्लम है तो उस समस्या का समाधान स्वयं करें आप लोग। चलिए, आ रही है ये स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन के रूप में, और आप लोग की तरफ से आंसर की बरसात होनी चाहिए, इसका इंतजार में रहेगा। क्वेश्चन रही ये, परासरण दाब लाइट थोड़ा बढ़ा लिए अपना, थोड़ा सा हम आप लोग को थोड़ी सी यहां से मैं देखना चाहूंगा कि करें कि परासरण दाब ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, क्वेश्चन बोल रहा है, मोर्स तथा फेफर की विधि, ऑप्शन बी में है आपका क्या चीज, तीन ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मोर्स एवं फेफर की विधि, बर्कले एवं हर्टले की विधि, फिर कह रहा है यहां पर क्या चीज, प्रेफर की विधि, ऑप्शन डी में सभी है। आप लोग क्या आंसर लॉक करते हैं, आप लोग आंसर लॉक करें मेरे प्रिय विद्यार्थी, आंसर जरा लॉक करें, शाबाश शाबाश, बर्कले और हर्टले की विधि, बिल्कुल राइट आंसर, बर्कले एवं हर्टले की विधि जो है बिल्कुल सही है, आपका फर्स्ट ये आंसर मिला आपका, आप सबों के साथ मेरी बिल्कुल एकदम बिल्कुल हम गदगद हो गए आप लोगों से, ऐसे ही बस लगे रहिए मेरे साथ, एक बार ठोक दो मुना, ठोक दो एक बार, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, ठोक दो लाइक और कर दो शेयर, बस इतने ही प्रमोशन के लिए करते रहना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को लाया जाए, विलम्ब नहीं। ये रही सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने पेश किया, और ये रही करक प्लास्टिक प्रोटीन, छोटा बहुत हो रहा है, थोड़ा बड़ा कीजिए, और प्लास्टिक
प्रोटीन एवं स्टार्च आदि बहुलकों के आणविक द्रव्यमान किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है? कह रहा विक्टर मेयर विधि, हिमांक अवनमन विधि, परासरण दाब विधि, क्वथनांक उन्नयन विधि। क्या आंसर लॉक कर रहे हैं मुना? जितना जल्दी लॉक करें आप लोग आंसर। जितना जल्दी आप लोग आंसर लॉक करें क्या होगा? प्लास्टिक की बात करें, प्लास्टिक प्रोटीन स्टार्च आदि बहुलकों की द्रव्यमान किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है? लॉक करें। परासरण दाब, बिल्कुल आंसर यहां पर राइट होगा, यानी सी परासरण दाब विधि द्वारा किया जाता है मुन्ना, परासरण दाब विधि द्वारा किया जाता है। क्लियर है? चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को साइज बड़ा रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन मुन्ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाती है, देखा जाए कर है क्या यहां पर, आपको यह बता दूं क्या कर है। मोलल विलयन वह विलयन है जिसमें विलय का एक मोल उपस्थित होता है। मोलल विलयन वह विलयन है जिसमें विलय के एक मोल उपस्थित होता है। ऑप्शन ए विलायक के 1000 ग्राम में, ऑप्शन बी विलायक के 1 लीटर में, ऑप्शन सी विलयन के 1 लीटर में, ऑप्शन डी विलयन के 22.4 लीटर में। क्या आंसर लॉक करते हो मुन्ना? आंसर लॉक कर दो एक बार। बिल्कुल, जिन विद्यार्थियों ने आंसर आपका ये लॉक किए हैं, ये बिल्कुल सही है। उन विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल मेरे तरफ से एक उपहार रहेगी, ये बात करें आप लोगों से, बिल्कुल इसी तरह से लगे रहें। और ये प्लस पॉइंट की बात करते हैं, ये प्लस चल रहा है आप लोगों के लिए, बिल्कुल ये प्लस है। और ये मैं खुशी जाहिर करता हूं आप लोगों के लिए क्या चीज कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग लगे रहे इसी प्रकार से, बिल्कुल इसी तरह से ठोक दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए शेयर मुन्ना, ताकि आपके मित्र अधिक से अधिक जुड़कर इसका लाभ उठाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाया जाए। स्क्रीन पर जो नंबर दी गई है मुन्ना, उस नंबर को डायरेक्ट ऐड करो, व्हाट्सएप से जुड़ जाओगे, जिससे कि आप लोगों को पीडीएफ सुलभता से मिल जाएगी। और पीले स्क्रीन जो दिखाई दे रही है उस पर गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेस का लिंक क्लिक करो, डायरेक्ट टेलीग्राम से ऐड हो जाओगे, टेलीग्राम पर भी शेयर कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCl एवं H2O के, HCl एवं H2O के स्थिर क्वथनांक की मिश्रण, बाबू चक्के छोड़ देना मेरे भाई, चक्के नहीं होएगा। स्थिर क्वथनांक की द्रव मिश्रण में HCl की प्रतिशत मात्रा कितना होता है? 48%, ऑप्शन ए, बी में 22.2%, ऑप्शन सी में 36%, ऑप्शन डी में आपका 20. कह रहा है 2%। जिन विद्यार्थियों ने डी ठोका आंसर बाहर, कहा हो बड़ा ठोकला जा डी, क्या बात बा भाई, डी तो ठोक दिला जा, बिल्कुल ऐसे ठोके के बा, ठीक बा, ठोक ठोक के आंसर ले लेवे के बा, का चीज नंबर, ठीक बा। चले के आगे लगा मोहर अमर ठप्पा, मिल जाएगा नंबर मेरे दोस्त। चल आगे चलते हैं और बातें करते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आती है आपका पांचवे क्वेश्चन के रूप में, जरा देखेंगे आप लोग। पांचवा क्वेश्चन बड़ा करें, हाँ, एक मोलल जलीय विलयन में, बड़ा करें, एक मोलल जलीय विलयन में विलय का मोल अंश कितना होगा? एक मोलल जलीय विलयन में विलय का मोल अंश कितना होगा? आप लोग बता सकते हैं, बताइए जितना जल्दी आंसर। ऑप्शन ए 0.18, जीरो, फिर कह रहा है ऑप्शन बी में 0.018, ऑप्शन सी में कह रहा है 1, और ऑप्शन डी में बोल रहा है 0। क्या आप लोग आंसर लॉक करके रखे हो? शाबाश, अरे भाई क्या लॉक कर दूं, मार दूं ठप्पा, लगा दूं मोहर, किस पे लगा दूं बोलो मुन्ना, किस पे लगा दूं बोलो जल्दी, किस पे लगा दूं? 5 का आंसर क्या होएगा? बी। 5 का आंसर क्या होएगा मुन्ना? बी, बिल्कुल राइट आंसर, जिन विद्यार्थियों ने बी दिया 100% सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मेरे प्रिय विद्यार्थी, ठोक दो लाइक एक बार, कर दो शेयर, अपने मित्रों को दोस्तों को कहें जुड़े, और धीरे धीरे बिल्कुल वो क्या करें, यदि आप चाहते हैं कि मेरा बेहतर तैयारी हो तो जरूर, नहीं तो पश्चाताप के सिवाय कुछ नहीं रह जाएगा मुन्ना, क्योंकि भोजन बस परोसी हुई है, खाना है आपको, समझ में आ गया? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हुए आपके साथ क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का मात्रक होता है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का मात्रक होता है, कह रहा है केजी केल्विन मोल, कह रहा है केजी केल्विन इनवर्स मोल, फिर कह रहा है केजी
केजी केल्विन मोल इनवर्स और उसके बाद केजी इनवर्स केल्विन मोल इनवर्स। क्या आंसर लॉक कर रखे हो? शाबाश शाबाश। अरे जिस पर ठप्पा लगाए हो क्या मैं भी मार दूं क्या भाई? मार दूं ठप्पा लगा दूं मोहर? बिल्कुल। इसमें भी आंसर क्या होएगा? 6 का आंसर बिल्कुल सी इज राइट। जिन विद्यार्थियों ने सी लॉक करा है बिल्कुल सही आंसर है। सी इज राइट आंसर मेरे प्रिय विद्यार्थी, सी इज राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल केजविन के बिल्कुल सही बात बोले, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है मुन्ना। बस लगे रहो मेरे दोस्त, फिर देखो क्या होता है जब, क्योंकि केमिस्ट्री का रूल कहता है व्हाट हैपन व्हेन, क्या होता है जब H2SO4 की अभिक्रिया कराओगे तब, मतलब अरे सेट मारोगे तब, ये बात मैं कह रहा हूं। अरे क्या होता है जब सेट मारोगे तब? तो सेट मारने पर क्या होगा? अरे यार तैयारी होएगी, तो लिखोगे यही ना कि जब सेट मारा जाएगा तो मेरा तैयारी हो जाएगा। ये है केमिस्ट्री का रूल। ठीक है चल आगे चलते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बातें करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मित्र, बिल्कुल आप लोग लग रही पर क्वेश्चन की बिल्कुल आप लोग ध्यान से पढ़ें। आप लोग क्वेश्चन आ रही है, 7वां नंबर आपके स्क्रीन पर रखी है। जल का हिमांक स्थिरांक का मान कितना होता है? जल का हिमांक स्थिरांक का मान कितना होता है? ऑप्शन है 1.86 केजी केल्विन मोल इनवर्स, बी ऑप्शन में है 0.5 केजी केल्विन मोल इनवर्स और ऑप्शन सी में है 0.52 केजी केल्विन मोल इनवर्स और डी में क्या है नॉन। क्या आंसर लॉक करके रखे हो? अरे वाह क्या रे यार, गर्दा कर दिया आप लोगों ने, शाबाश है, क्या मजा आ गया, वाह क्या बात है आलोक जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे जिन विद्यार्थियों ने रिफान जी, बिल्कुल जिन विद्यार्थियों ने मारा ये ठोक दिया आंसर, क्या लगाया 7 पर मोहर ठप्पा, तो बिल्कुल ये है सही आप लोगों का आंसर मेरे प्रिय विद्यार्थी। और 7 का आंसर दो आप लोगों ने ठोका कितना? ए पर लगाया मोहर, ए वाले बिल्कुल सही आंसर लॉक किए हैं। बहुत बेहतर आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे ऊंचाई को प्राप्त करेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी। लग रहे हैं जबरदस्त एकदम एक नई एनर्जी के साथ, जैसे मैं एक ऊर्जा के साथ। अरे यार आप लोग तो भली भांति जानते हो, 11 घंटा क्लास लेने के बाद, 10 घंटा क्लास लेने के बाद 11वें घंटे में आप लोगों के पास खड़े हूं, फिर भी कोई एनर्जी में कमी दिखाई दे रही है क्या? नहीं ना, क्यों? क्योंकि मेरे पास एक जज्बा है, मेरे पास एक ऊर्जा है जिससे कि आप लोगों को एक मंजिल दे सकूं। मेरी यही मिशन है, मेरी यही ख्वाहिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाया जाए। क्वेश्चन की साइज, यदि द्रव HCl का घनत्व, आगे न्यूमेरिकल मेरे प्रिय विद्यार्थी सब बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। कह रहा है कि यदि द्रव HCl का घनत्व 1.17 ग्राम प्रति सीसी, मतलब सीसी का मतलब होता है वही ग्राम प्रति ml या ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, तो इसकी मोलरता कितना होगा? इसकी मोलरता कितना होगा विद्यार्थियों? की आंसर तो लॉक करके देख लो, शाबाश जिन विद्यार्थियों ने सी लॉक करके रखा है। सी लॉक करके रखा तो क्या ठप्पा लगा दूं? अरे चार ऑप्शन में तो किसी पर ठप्पा लगानी है मेरे मित्र, लेकिन मैं किस पर लगाऊं सबसे बड़ी बात ये डिपेंड करती है। तो मैं देखता हूं इसका आंसर, तो मेरे अनुसार इसका आंसर भी होएगा सी। बट कहोगे सर सॉल्यूशन तो कर दो, विदाउट सॉल्यूशन आंसर कैसे मार दिए भाई? तो विदाउट सॉल्यूशन याद रखे हो, सेट नंबर 1 में मारे तो क्या किया था मैंने, गलत कर दिया था ना, लेकिन बिना गलत यहां तो मैं गलत नहीं करूंगा भाई। तो डेंसिटी मोलरता बराबर हो जाएगा क्या? डेंसिटी इनटू 1000, डायरेक्ट सूत्र मान लो मुन्ना, डेंसिटी का मतलब यहां हो गया घनत्व, घनत्व बटा में मोलर द्रव्यमान। अब मैं मोलर द्रव्यमान को कितना मानता मेरे प्रिय विद्यार्थी? कैपिटल W ऑलवेज मानकर बनाता हूं, कोई M भी मानता है, W A W B भी मानता है, तो मेरा M बराबर सूत्र हो गया मेरे प्रिय विद्यार्थी D इनटू 1000, माफ कीजिएगा 1000 दस नहीं 1000 1000 और बटा में क्या हो जाएगा W। आप देखें जरा क्या है, घनत्व दिया है 1.17 इंटू 1000 मैंने रख डाला मुन्ना, और बटा में HCl की भार निकाल लिया जा रहा, तो 35 देखिए इसका HCl में ध्यान रखेंगे, HCl में हाइड्रोजन की भार 1 हो गई और Cl की कितना होती है
35 पॉइंट कितनी होती है, 35.5। कितना हो गया टोटल, 36 पॉइंट कितनी हो गई मुन्ना, 36.5 हो गया। इसका भार कितना हो गया, 36.5। जब 36.5 से इसमें भाग दोगे मेरे प्रिय विद्यार्थी, इसमें क्या करोगे, इतना में जब 36 पॉइंट से भाग दोगे आप देकर देखना, तो आपका करेक्ट आंसर कितना आएगी, आएगी आंसर सी, यानी 32 पॉइंट। आपका 32 पॉइंट कितना आएगा, क्वेश्चन को लाया जाए, 32 पॉइंट कितना है देख लिया जाए, 32.05, 32.05 मोल आएगा, यही आपका आंसर करेक्ट होएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, कब, जब क्वेश्चन में केवल डेंसिटी दिया हो, क्वेश्चन में केवल डेंसिटी मेरे प्रिय विद्यार्थी दिया हो, तो आप लोग क्या करेंगे, डेंसिटी इनटू 1000 बाया मोलर द्रव्यमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाते हैं। शाबाश, बिल्कुल, क्या लाइक ठोक दे मेरे मित्र, बिल्कुल 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 बिल्कुल, दिव्या कुमारी बिल्कुल आपने सही हेल्प की, मदद की, बहुत अच्छे, 32.05 मोल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाया जाए, 9 नंबर, जल का क्वथनांक ओनियन स्थिरांक का मान कितना होता है, जल का क्वथनांक ओनियन स्थिरांक का मान कितना होता है मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप लोगों ने आंसर लॉक करो, निशु चलिए अच्छी बात है। अब आप लोग 9 का आंसर विदा करें, बी नेहा कुमारी यादव, क्या आंसर लॉक कर दी, बी लॉक कर दी, बी जिसने लॉक किया, बिल्कुल बिल्कुल दुर्गा, ये ठीक है, निक्की आ गई, ओ हो नहीं निक्की, ये गलत है गलत है गलत है, आपका सी आंसर होएगा, शशि गुप्ता, ये अंदाज पे कर रहे हैं, नहीं मुन्ना नहीं मुन्ना, इसकी आंसर 9 की आंसर जो होएगी, चल लगा दे मुहर, मार दे ठप्पा मेरे मित्र, इसमें कितना क्या होगा, बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर, यानी क्या होगा, 0.0529 क्या होगा, केल्विन केजी मोल इनवर्स, केल्विन केजी मोल इनवर्स, ठीक है। तो आगे की ओर बातें करें हम लोग क्या, तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर मेरे प्रिय विद्यार्थी, और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या होता है जरा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं, और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है, जरा देखेंगे आगे, अगली क्वेश्चन आ गई क्या चीज, जरा देखें अगली क्वेश्चन की बात करें आप लोगों से, स्क्रीन पर 10वीं क्वेश्चन आप लोगों के साथ देखिएगा, क्या हुआ, कर डेल्टा सॉरी के बी बराबर डेल्टा टी बी हो तो बिलियन की मोललता कितना होगा, कह रहे कि के बी बराबर डेल्टा टी बी होगा तो बिलियन की मोललता कितना होगा, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी में 0.018 मोल, यानी कि मोलल की बात करेगा, स्मॉल एम होएगा, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन में स्मॉल एम होएगा, मुन्ना छूट गई, बड़ी वो लिखा गया है टाइपिंग में, ठीक है, और सी में 1 मोल, यानी 1 मोलल की बात कर रहे हैं, मोललता 1 होएगी कि 2 मोलल होएगी, तो इसका आंसर क्या लॉक करके रखे हो, सी, बिल्कुल जिन विद्यार्थियों ने लॉक करा है आंसर सी, सी इज राइट आंसर, बिल्कुल सी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही है मेरे प्रिय विद्यार्थी। चलिए मैं जिन विद्यार्थी मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, उन लोगों से मैं बात कर लूंगा बाद में, बस अभी सेट मारे मेरे प्रिय विद्यार्थी, बस उसके बाद आप लोग सारी लोगों के मैसेज का मैं रिप्लाई दे दूंगा, बस आप लोग, जी हाँ, पीडीएफ सेंड कर दूंगा, सभी को पीडीएफ सेंड करूंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है, पीडीएफ जाएगी, आप लोग जहां से हो सके टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, ज्यादा बेहतर होगी मेरे प्रिय विद्यार्थी, एक बार मेरे को सेंड करनी पड़ती है उस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लाया जाए स्क्रीन पर, मैं जरा इस क्वेश्चन को मिटाता हूं ताकि ये लोग क्लीन आंसर आप लोगों को दिखाई दे, ये सेट आपको चल रही है 3। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कह रहा है कि तनु बिलियनों का अणुसंघ के गुणधर्म किस पर निर्भर करता है, तनु बिलियनों का अणुसंघ के गुणधर्म किस पर निर्भर करता है, अगर नहीं मारोगे ना तो मैं भी ठोक दूंगा तू लोग, क्योंकि कल ही ये सेट में मैंने क्वेश्चन को दिया था, देखता हूं कौन नहीं मारता, ठीक है, चलो चलो देखते हैं देखते हैं देखते हैं बातें करते हैं, अरे वाह क्या बात है, नहीं नहीं भाई नहीं ठोकूंगा, बिल्कुल सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही मारे आंसर, ऑप्शन क्या दिया, पहला विलय के मोलल सांद्रण, बी ऑप्शन विलय के कणों की संख्या पर, सी ऑप्शन विलय के कणों की संख्या पर, डी ऑप्शन विलय के प्रकृति पर, क्या मुन्ना ठोका तूने, अरे वाह क्या बात है, रेड रेड स्क्रीन दिखाई रही है, रेड रेड स्क्रीन दिखाई दे रही है, यानी बी इज राइट आंसर मेरे प्रिय विद्यार्थी, बिल्कुल आप लोगों ने जो भी आंसर ठोका है क्या हुआ, बिल्कुल बी इज राइट आंसर, 11 का बिल्कुल बी क्या है, बी बिल्कुल सही आंसर है।
जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को लाया जाए, बिल्कुल इसी तरह लगे रहें, बिल्कुल हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, विदाउट टेंशन के मेरे साथ जुड़े रहें, फिर देखिए क्या होता है जब केमिस्ट्री के सेट मारा जाएगा तब। तो देखते हैं क्या है, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गई, कह रहा है केन सुगर, इसका मतलब होता है चीनी, केन सुगर का मतलब होता है चीनी के 5% के एक घोल पदार्थ, एक्स के 1% घोल के आइसोटोनिक सोल्यूशन है एक्स का अणुभार ज्ञात कीजिए। आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब होता है कि दोनों तरफ बराबर हो जाएगी, ठीक है, अमाउंट। तो क्यों ना मैं इसको डायरेक्टली हिट कर दूं चुका चुकी पर, तो मैं डायरेक्ट एक बात बोलना चाहूंगा मेरे प्रिय विद्यार्थी, इसका आंसर पहले लॉक कर लो, लॉक कर लो आंसर। बिल्कुल जिन विद्यार्थियों ने आंसर इसका लॉक करा है, कितना 68 कितना है 4 ग्राम, दैट मीन्स कि सी इज राइट आंसर मेरे प्रिय विद्यार्थी, सी इज राइट आंसर। बट कहोगे सर सोल्यूशन दे दो, अरे भैया ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को आइसोटोनिक सोल्यूशन लोग ऐसे किया जाता है, देख कैसे चीनी के सूत्र क्या होता है, तो C12 H22 O11 होता है, का होता है बाबू बोलो ना, का होला, अरे C12 H22 O11, जब एकर भार निकल बजा, अरे मोलर द्रव्यमान निकल बलोग, एकर मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर वेट को निकालेंगे, तो ससुरी के निकाल लो ना भैया, निकाल लो, क्या होएगा, कार्बनवा 12 को है, एगो कार्बनवा के भार कितना होता है 12 होता है सी बराबर, हाइड्रोजनवा यहाँ कितना है 22 गो है, लेकिन एक गो हाइड्रोजन का भार कितना होता है इतना होता है, यानी H बराबर कितना होएगा 1, और एक गो ऑक्सीजन बराबर कितना होता है 16 होता है। तो जरा काम न कर, कार्बन हो गई कितना 12, एक गो ससुरी के भार होता है 12, अब प्लस हो गया कहानी समाप्त, फिर हो गया ये H 22 गो, इस ससुरी के भारवा होता है एक गो, इसका होता है कितना 11 गो, इसका होता है इतना 16 गो, गुणा करो, अरे 12 बारह या 14 से होता है बबुआ, और उसके बाद का 22 को हो जाएगा का 11 16 या 176 होता है, हो समझ में आया, तो ई बात कहें आपसे, तो जरा गौर करना, जोड़ेगा तो ई ससुरी आएगा 342 ग्राम मोल इनवर्स आएगा, हो कितना आएगा 300 ग्राम, इतने लेना अब बैठा दे, चूंकि 5% शुगर केन एंड केन शुगर 5% हटा दीजिए, 5% केन शुगर, देख मुना केन शुगर का यानी द्रव्यमान जो है वो कितना है 342 ग्राम है, इसलिए 1% पर कितना होएगा जरा ई ज्ञात कर ले, तो 1% पर जो होएगा 342 भागा 5, ई ससुरी के कटाई बजा तो मिल जी तो ना के कितना बाबू 64.4 ग्राम, 64-61 है, हो कितना है देख लेते हैं जरा हम भी, कितना है वो देखो तो, कितना है 68 पॉइंट, कितना है क्वेश्चन को लाया जाए 68 पॉइंट मेरे ख्याल से 4 होएगा, हो कितना है बोलो 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 कितना है, शाबाश 68.4 ग्राम, यही है सोल्यूशन मुन्ना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, मैं हट गया, ले लो एक बार स्क्रीनशॉट, ये काम आएगी क्वेश्चन, पहले मोलर द्रव्यमान को निकालो, आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है जितना पर कहता है उतना पर दिखाओ अणुभार को, फिर जितना परसेंट को कहता है उतना परसेंट को निकाल दो, इट इज द राइट आंसर। और ये सब बारहवीं के एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा लाएं एक बार, चिंता की बात छोड़ यार, अरे चिंता की बात छोड़ो, मजे की बात करो, क्योंकि हम जुट गए आप लोगों के साथ, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गई, निम्न में से किसका हिमांक अवनमन सबसे अधिकतम होगा, तो मैंने एक कुल्लू बताया था मेरे प्रिय विद्यार्थी, जरा याद कर मैंने क्या बताया था, कि जिस कंपाउंड को जिस यौगिक को तोड़ोगे जिसमें आयन की मोल की संख्या जिसमें अधिक होगी वो आई का मान होता है, वांट ऑफ गुणक का मान होता है, और जिसका वांट ऑफ गुणक का मान अधिक होता है उसका क्या हिमांक अवनमन भी क्या होता अधिक होता है। तो आंसर क्या लॉक करके रखो, शाबाश, बिल्कुल 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 बिल्कुल, नहीं 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 नहीं,
नहीं नहीं, ये आंसर बिल्कुल जिन विद्यार्थियों ने रेड रेड मार दिया यार, देख गर्दा कबाड़ा, ये क्या चीज, यानी जिन विद्यार्थियों ने आंसर ए लॉक करा, बिल्कुल आंसर राइट है मुन्ना, यानी 13 का आंसर यहां पे आएगा क्या चीज, 13 का आंसर आप लोगों को मिल रहा है क्या चीज, यहां पर 13 का आंसर मेरे प्रिय विद्यार्थी ए होगा, क्यों जरा जान सकते हो, तोड़ो Na2SO4 को यदि मैं तोड़ता हूं तो जरा देखो Na क्या हो जाएगी प्लस और क्या हो जाएगा SO4-2, बट सोडियम की संख्या मेरे प्रिय विद्यार्थी कितना हुआ 2, ये कितना है तो यहां 1, तो ये जो दिखाई देता है अंक पिछवाड़े में लगल, जो पिछवाड़वा में अंकवा लगा रहता है आयनवा के, वो मोल ससुरा बताता है, क्या बताता है, मोल बताता है, तो ये देख कितना दिखाई दे रहा पिछवाड़वा में लगल है 2, तो ये कितना हो गया 2 और ये कितना लगल 1, तो जोड़ लेगा तो इतना, तो ये ससुरा हो गया 3, तो आई के मनवा कितना हो गया 3, और जिसका आई के मनवा अधिकतम होता है उसका हिमांक और नमनवा भी क्या होता, अधिक होता है, समझा, देख एक और बात बोलते हैं, जैसे और को तोड़ के दिखाते हैं तुम्हें, सब तोड़ देते हैं, ग्लूकोज देखो, यूरिया लिख लेना यूरिया हो बराबर आई का मान इसका होता है, यूरिया का आई का मान होता 1, चीनी यानी कि मतलब शुगर जिसको बोलते हो आई के मान होता 1, ग्लूकोज ससुरी होएगा तभी आई का मान क्या होगा, ग्लूकोज जिसको कहते हो पीते हो ऊर्जा मिलता है इसका भी आई का मान होता है 1, और उसके बाद एक और बताते हैं, एल्कोहल अगर आ जाएगा C2H5 इसका मान भी होता है आई का मान 1, ऐसा क्यों, कारण ये है मुन्ना, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये कभी अपने आयन में नहीं टूटते क्योंकि इसके अल्फा का मान भी क्या होता है 0, आप लोगों से मैं बार बोलना चाहूँगा, अगर इसको कंसेप्ट को पूरी क्लियर करनी होगी 100% तो जाओ यूट्यूब पर, मेरा वीडियो में प्लेलिस्ट में सॉल्यूशन चैप्टर है 46, 47, 48, 49 देख लो, पूरी डिटेल व्यवस्था किया गया, डिटेल बताया हूँ वहाँ पर मुन्ना, और पढ़ के देख नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लाया जाए जरा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें आयन अधिक होएगी वही होएगा, चलो 14 क्वेश्चन, हाँ आ गया, कह रहे मोलल अवनमन स्थिरांक किस पर निर्भर करता है, मोलल अवनमन स्थिरांक किस पर निर्भर करता है, ऑप्शन ए विलायक की प्रकृति, ऑप्शन बी विलायक की प्रकृति, ऑप्शन सी विलयन के वाष्प दाब, ऑप्शन डी विलयन के ऊष्मा पर, क्या आंसर लॉक करके रखे मुन्ना जल्दी बता दे, नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल गड़बड़ बातें, बिल्कुल 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 बिल्कुल, जिन विद्यार्थियों ने बी यहां पर क्या आंसर, देखो जल्दी लॉक करो, लॉक करो आंसर, देखते हैं जिन विद्यार्थियों ने बी आंसर लॉक करा है, बिल्कुल सही है, बी आंसर यहां पे होएगा मुन्ना विलायक के प्रकृति पर, क्योंकि 1000 ग्राम विलायक में होता है, ठीक है 1000 ग्राम विलायक में बात करेगा, इसलिए विलायक की प्रकृति पर निर्भर करेगा मुन्ना, यानी ए इज राइट आंसर, 14 का आंसर क्या होगा, राइट होगा ए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस लगे रहिए जुड़े रहिए, तुरंत आप लोग की सेट कवरिंग होती है मुन्ना, बस आनंद लो इसका लाभ उठाओ, जबरदस्त लगे रहो मेरे साथ, 15 क्वेश्चन के ओर चलते हैं, बड़ा कीजिए साइज, क्वेश्चन की साइज, करण निम्न में से कौन अनुसंग के गुण नहीं है, निम्न में से कौन विलयन का अनुसंग के गुण नहीं है, ऑप्शन ए परासरण दाब, ऑप्शन बी वाष्प दाब, और ऑप्शन सी क्वथनांक उन्नयन, ऑप्शन डी हिमांक अवनमन, क्या लॉक करके रखे हो, बिल्कुल सही बात है, क्या होएगा, जिन विद्यार्थियों ने बी आंसर लॉक करा है 15 का, बिल्कुल सही है, वाष्प जो होता है या वाष्प दाब जो होता है वो कभी, देखो मुन्ना क्वथनांक हो हिमांक हो, मैं लिख भी देता हूँ, लिस्ट बनाता हूँ उसका, ये बी आंसर बिल्कुल सही लॉक करा गया है, देखो मैं एक लिस्ट तैयार करता हूँ तो लोग करें, इसको मिटाता हूँ और एक लिस्ट कभी भूलोगे नहीं, ये बातें याद रहेगी मेरी, ये गूंजता रहेगा
जाएगा तुम्हारे दिमाग पर और दिलो जहान पर, देखते रहना क्या बोल रहा हूं। हिमांग के अगर कहता है तभी इस ससुरा क्या है, ये अनुसंघ के गुरुधर्म नहीं है। अगर कहेगा क्या चीज, अगर कहेगा क्या चीज, क्वथनांक कहेगा, क्वथनांक है ना, क्वथनांक भी कहता है तो ये आपका क्या चीज है, ये भी आपका यानी क्या है, अनुसंघ के गुरुधर्म नहीं है। फिर कहता है वाष्प कहेगा, वाष्प तभी ये अनुसंघ के गुरुधर्म नहीं है। और वाष्प दाब भी कहता है तभी ये, वाष्प दाब भी कहता है ये भी अनुसंघ के गुरुधर्म नहीं है। पृष्ठनाव कहेगा तभी नहीं है, सयंता कहेगा तभी नहीं है। तो है कौन, चार गो, पराशरण दाब, क्वथनांक उनियन, हिमांक अवनमन और वाष्प दाब अपेक्षिक अवनमन, चार गो होता है। ये नहीं वाले हैं, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, नहीं है। लिस्ट बना लेना, ले लो स्क्रीन शॉट एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाया जाए। क्या अभिषेक, क्या हो गई, क्या हो गई, आई हो मैया कह रहे हैं। चलो मैया को याद कर लिए, कल्याण हो जाएगी, क्योंकि आज क्या है, पहली नवरात्रि का। सबको हार्दिक शुभकामना मैं भी दूंगा और आप लोग बिल्कुल आप इस नवरात्रि के भी आनंद लेते रहेंगे। और मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ मुन्ना, क्योंकि मुझे तो मज़ा आ रहा है। कहो क्यों सर मज़ा आ रहा है, अरे यार तू लोगों से जो जुड़ने को मेरे को मौका मिला है इसलिए मुझे मज़ा आ रहा है। अगली क्वेश्चन करें, यदि Na2SO4 के वियोजन की मात्रा अल्फा हो तो आणविक द्रव्यमान की गणना में प्रयुक्त 1/12 गुणक का आई का मान कितना होगा। फिर से क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कह रहा है कि Na2SO4 के वियोजन की मात्रा अल्फा हो तो आणविक द्रव्यमान की गणना में प्रयुक्त 1/12 गुणांक यानी आई का मान क्या होगा। 1 प्लस अल्फा, बी में 1 माइनस अल्फा, सी में 1 प्लस 2 अल्फा, डी में 1 माइनस 2 अल्फा। क्या आंसर लग करके रखे मुन्ना, शाबाश, बहुत बढ़िया। नहीं यार, जिन विद्यार्थियों ने लॉक कर रखा क्या चीज, जिन विद्यार्थियों ने सी लॉक करा, ये बिल्कुल सही है। मैं बता भी देता हूं कैसे, जरा गौर कर ले ताकि यह क्वेश्चन ना छूटे, ताकि क्वेश्चन न छूटे। जरा देख ले आप लोग, मैं इसको सोल्व करके दिखाता कैसे मुन्ना। देख मुन्ना, ये टूटेगा ससुरी, Na2SO4 ये टूटेगा तो कहेगा कि Na प्लस और SO4 माइनस, ससुरी माइनस में हो गया, माइनस आई है प्लस, समझ में आया। तो देखो क्या हो रही है, यानी पहला मान लेते हैं कि इसका एक मूल अमाउंट है, अरे स्वाभाविक है, अरे थाली में भोजन ले लिया है, खाओगे नहीं तो क्या खत्म होएगी, नहीं खत्म होएगी यार, तो इस प्रोडक्शन में पेट में 0-0 गया है, पेट में जाने वाली भोजन नहीं है। अब क्या हो रहा है, मैं इस बात को अब कह रहा हूं कि ये अब क्या हो रहा है, अभिक्रिया स्टार्ट हुई तो ये अल्फा दर से, और ये अल्फा दर से क्या हो रहा है, बढ़ना चालू हुआ, तो ई ससुरी क्या हो गया, अल्फा दर से घटना चालू हो गया, क्या हो गया, अल्फा दर से। अब तो सब क्या हो गया, बट ये कितना, एक मोल एक से गुना कर दिया, ये 2 मोल 2 से गुना कर दिया, ये 1 मोल है तो 1 मोल रहेगा। तो आई बराबर होता है क्या चीज, आई बराबर होता है वियोजन से, वियोजन के बाद कुल मोलों की संख्या बटा में वियोजन से पहले कुल मोलों की संख्या, वियोजन के बाद यानी दिस प्लस दिस। ई है टूटने से पहले मोलों की संख्या कितना मिलेगी, तो टूटने से पहले मिलेगी कितना मुन्ना, 1 प्लस 0 प्लस 0 बराबर 1 मोल मिली। और इसको करोगे टूटने के बाद मोलों की संख्या, तो ई ससुरी दोनों जुटेगा तो ई का होगा कट जाएगा, तो कैसे जरा देखो, यानी वियोजन के बाद कुल मोलों की संख्या और वियोजन से पहले, टूटने से पहले कुल मोलों की संख्या 1 मोल और प्लस 0 प्लस 0, तो आई बराबर हो गई ई ससुरी, ई ससुरी को मार दिया तो क्या मिला, 1 प्लस 2 अल्फा बाय 1, हेंस आई बराबर कितना हुआ, 1 प्लस 2 अल्फा। मुन्ना किसी के लिए भी निकालना, यही राइट आंसर होएगी, बिल्कुल करेक्ट है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो मेरे प्रिय विद्यार्थी, ले लो एक बार स्क्रीनशॉट, मजा आ रहा है आप लोगों को क्या। लगे रहिए इसी तरह से आप लोग, जबरदस्त परफॉर्मेंस आप लोग करें, ठीक है। अगला
अगला जरा बताएंगे आप लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जरा देखेंगे क्वेश्चन आ गई स्क्रीन पर, फिर न्यूमेरिकल आ गया, ये तो गड़बड़ बातें हो गई क्या यार, फिर न्यूमेरिकल। चल इसको भी ट्रिक से उड़ा दिया जाता है, जरा गौर करो ये भी ट्रिक से उड़ जाएगी मेरे प्रिय विद्यार्थी। बहुत जल्दी सॉल्व करो, जल्दी आंसर इसका सॉल्व करके आंसर मारिए आप लोग, आंसर को लॉक करें मेरे प्रिय विद्यार्थी, तब इसका मैं सोल्यूशन बताता हूँ ताकि आप लोगों को सोल्व करने में से प्रश्न को दिक्कत ना हो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 20% NaOH WW घोल की मोललता ज्ञात करें। ऑप्शन ए में है 6.25 मोलल, ऑप्शन बी में है 0.5 मोलल, ऑप्शन सी में है आपका यानी 5 मोलल, यानी कि मोललता की बात करें डी में है 5.26 मोलल। क्या आंसर लॉक करे हो? जिन विद्यार्थियों ने लॉक करा कितना आंसर मुन्ना, यानी ए बिल्कुल सही है। बट सर कैसे? अरे डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि मान लो कि बिलियन 100% है, यानी 100% का मतलब 100 ग्राम बात करो कि मान लेते हैं कि बिलियन तुम्हारा 100 ग्राम है, क्योंकि आपने W by W परसेंटेज का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत की बात कर रहा है। तो इसमें अब मैं ये बात करूं, ये बिलियन है तो कह रहा बिलियन का 20% कौन है भाई, बिलियन का 20% कौन है, विलय है। इसका मतलब 20/100 की बात कर रहा हूं, नीचे कर देता हूं, यानी इतना बटा में 20/100 ई ससुरी उड़ा तो 20 ग्राम क्या मिल गया, बिले, 20 ग्राम बिले, बिले मिल गया और बिलियन मानिए लिया मेरे प्रिय विद्यार्थी, ये बिलियन है तुम्हारा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ विलायक बराबर बिलयन, बिलयन माइनस बिले होएगा क्या बोल दे, तो होना चाहिए यही। तो 100 ग्राम लेस देन 20 ग्राम इज इक्वल टू 80 ग्राम। अब मोलर द्रव्यमान निकालो, मोलर द्रव्यमान कितना होएगा किसका भाई, तो NaOH का मोलर द्रव्यमान निकाल लिया जाए तो NaOH का मोलर द्रव्यमान कितना होता, 40 ग्राम मोल इनवर्स होता मेरे प्रिय विद्यार्थी। क्यों? क्योंकि सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन 16 ऐड कर मिल जाएगी, तब क्या निकालनी है, मोललता। हम लोग निकालते हैं मोललता बराबर होता है स्मॉल डब्ल्यू, दिया गया द्रव्यमान गुणे 1000 बटा में मोलर द्रव्यमान इनटू यानी क्या चीज, मास ऑफ सोल्वेंट यानी विलायक का द्रव्यमान केजी में, यानी ग्राम में कहते हैं, ठीक है ना, लेकिन वैल्यू रखेंगे तो विलायक का द्रव्यमान की बात करता हूं, तो मास ऑफ सोल्वेंट तो किस में, इन ग्राम, बट वैल्यू रखेंगे तो बदल जाएगा। क्या मैं इधर मैं कर सकता हूं मेरे प्रिय विद्यार्थी, जरा यहां पर देख सकते हैं क्या, यहां पर वैल्यू रख देता हूं, जरा देखिएगा इतना बन जाएगा, एम बराबर हो गया 20 ग्राम विलय है, देखिए 20 ग्राम विलय हो गया, यहां पर देखिए विलय की मात्रा घटाया हूं, ये क्या है विलय है, 20 ग्राम विलय हो गया, तो 20 ग्राम विलय गुणे 1000, अब बटा में क्या हो गया बताइए, 80 ग्राम इंटू कितना, यानी कि है सॉरी 40 ग्राम मोल इनवर्स इनटू 80 केजी में बदल जाएगा। अब देखो एक शून्य को मारा यहाँ से, क्लियर हुआ, अब देखो 4 से मारा 20 को, ई ससुरी चला गया 5 बार में, ई मारा 2 से तो ये भी हो गया 5, लेकिन ई हो गया 4, तो अब मिला एम बराबर 25/4, दैट मीन्स 6.25 एम। क्या कट गया, क्या कट गया, कोई बात नहीं है मुन्ना, इधर देख लेना, कटा नहीं है बात, ये देख लो यहाँ पर थोड़ा सा 25/4 एज इक्वल 6.25, ठीक है, यहाँ पर 80 रखा हूँ, ये वाला वैल्यू रखा हूँ, यानी आप लोग देख लिए होंगे। अच्छा थोड़ा घबराइएगा मत, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार ले ले, हम हट जाते हैं ताकि वैल्यू को रख सके मुन्ना, भाग रही है ना, भागो मत, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जरा देखो एम बराबर देख लो, यानी 20 ग्राम इंटू कितना 100, 1000 बटा में कितना होएगा 40 ग्राम मोल इनवर्स इंटू कितना आएगा
इनटू कितना आएगा मेरे विद्यार्थी, 80 केजी में उड़ा दो, यहाँ से उड़ा दो। इसके बाद इसको मारो 5 बार में, इसको मारो 2 बार में, तो आ गई 5। कुल मिला के हो गया कितना हम लोग का बताओ, कुल मिला के हो गई हम लोग को मिला कितना, यानी 25/4 एज इक्वल 6 इतना क्या होगा एम, यही है मोललता। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आएगी, थोड़ा टाइम किलिंग होगा लेकिन इसके बावजूद भी ध्यान रखेंगे, क्लास में न्यूमेरिकल कहीं भी क्लास में बहुत कम न्यूमेरिकल बढ़ रहे, क्यों, क्या है, टाइम के अभाव के कारण, इसलिए सिलेबस को खींचा जा रहा, आप लोग घबराए ना, बिल्कुल लग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है मुन्ना, और क्वेश्चन ये बोल रहा है क्या चीज, ये बोल रहा है क्या चीज मुन्ना, जरा गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये बोल रहा है कि बिलियन में संगुलन होने वाले विलय के लिए वांट ऑफ गुणक कितना होता है, वांट ऑफ गुणांक कितना होता है, तो संगुलन में घटता है यानी एक से कम होता है, यानी जब ये कॉम्बिनेशन होता है, यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल एक बड़ा में बदलेंगे तो वहां पर क्या होगा, यानी कम होता है, घटता है, एक से कम होगा, इसका आंसर क्या होगा, डी इज राइट आंसर मुन्ना, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा लाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन मुन्ना ये रहा, कह रहा किस गो, कह रहा किसी घोल के 1 m प्रसरण दाब निरूपित किया जाता है, यानी मतलब प्रसरण दाब वही है पाई बराबर CST सूत्र है। अब इसमें से चेक कर लो कौन ऑप्शन होएगी, चेक कर लो मुन्ना कौन सी ऑप्शन होएगी, तो पाई सी बराबर क्या हो जाएगी, पाई सी बराबर ST, यानी कि सी इज राइट आंसर, इसको गुणा में है भाग में ला दो, 19 का आंसर आपका मिल चुका, 19 का आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाइए, एंड देन आज का लास्ट क्वेश्चन मेरे प्रिय विद्यार्थी, प्रत्येक दिन आप लोगों का PDF जाता रहेगा, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस जुड़े रहें, इसका आनंद उठाते रहें, लाभ उठाते रहें, आप लोग इसे हल्के में मत लेना अपने एग्जाम को, अपने एग्जाम को पूरे फोर्स के साथ मुन्ना लगे रहो। और एक बात और बोलना चाहूँगा, सब्जेक्टिव भी होएगा, सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा, आप लोग परेशान ना, पूरी क्वेश्चन बैंक को सोल्यूशन कराया जाएगा। ऑप्शन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर क्या है 20, निम्न में से किसका हिमांक अवनमन न्यूनतम होगा, जिसकी आयन की संख्या कम होगी उसी का होगा न्यूनतम, चेक कर लो, जिसकी आयन की संख्या होगी न्यूनतम उसकी होगी, तो आप लोग चेक कर लो आंसर क्या होगा, डी, नहीं 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 कम पूछ रहा है, डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर, 20 का आंसर क्या होगा डी, क्यों, क्योंकि अभी तुरंत बताया यूरिया का 1 mole का कितना मान होता है, आई का मान 1 होता है, अगर K2SO4 की बात करें तो 2 हो जाएगा, 2 × 1 = 3 हो जाएगा, अगर बात करें इसका क्या NOH का, इसमें 2 आयन आएगा तो 2 हो जाएगा, और इसका कितना होगा 3 × 2 = 5 हो जाएगा, किसका, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। क्लियर है मुन्ना, लगे रहें जबरदस्त मेहनत करें, और डेली आप लोग अपने समय पर जुड़ें और सेट को मारें। देखिए मुन्ना बैठकर क्या करोगे, इस टाइम में खाना भी बना लोगे चाहोगे तो, अपनी ठीक है, और बात अब ये बताएं, बहुत थक गिल बड़ा जाना बाबू, अरे सुगा कटोरा जैसा बड़ा जा, बड़ी तो है ना मेहनत करता जाहो, ऐसा बाकी अब जा जा तनिका रेस्ट कर जा, वो जान तो जा का तनिका पाँव में तेल लगा लिया जा कड़ुआ, बात का हुई उससे ना थकान दूर हो जाए, नींद बड़ी बढ़िया लागे, और वह से ना हुई तो कपार में रख लिया जा, नींद बड़ी जबरदस्त लगी, आज सुबह नहा धोवा के क्लास चल ही जा, नहीं तो मरीज लिखा लग बजा, बात समझ में आता, तो बिल्कुल जा जा, मस्त रह जा, बिल्कुल एकदम पढ़ा जा, जम के मुन्ना, जम के पढ़ो, जबरदस्त पढ़ो, लगे रहो, फिर तो हम तो हये हैं साथ साथ। क्लियर है, चलते हैं, और फिर कल अपने टाइम पर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।